नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। समाज सेवी भैया विश्वजीत सिंह ने आज भी अपने आसपास के सभी क्षेत्रों में मास्क, हैंड वॉश और मशीन से लगातार सैनिटाइजिंग व्यवस्था जारी है। वो अपने जन्मदिन से लेकर आज तक 2500 मास्क वितरित कर चुके हैं और उन्होंने पुलिस वाला ब्यूरो श्री संजय सिंह जी रीवा से चर्चा के दौरान बताया कि जब तक लॉकडाउन की स्थिति देश में है तब तक निरंतर सेवा भाव से एक एक व्यक्ति से मिलकर इस लॉकडाउन की स्थिति में लोगों से मिलकर उनकी आवश्यक व्यवस्थाएं करता रहूंगा। मेरा मकसद राजनीति नहीं दिलों पर राज करना है। खदान संबंधी व्यवस्था के लिए भैया विश्वजीत सिंह ने बताया कि जो भी खदान के पात्र हैं, गरीब निशक्त जन जिनके पास खाने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, सेल्समैन द्वारा खादान नहीं दिया जा रहा है, उन्हें उच्च अधिकारियों से बात कर एक एक पात्र व्यक्ति की व्यवस्था की जाएगी और अपने क्षेत्र में 24 घंटे हर प्रकार की सुविधा के लिए उपलब्ध हूं। उनके साथ ही उनकी सहायता के लिए शारदा मिश्रा, राजकुमार साहू, राजधर द्विवेदी, मोहम्मद खलील, शिवम सिंह, अमन दुबे और अन्य साथी उपस्थित थे। पुलिस वाला न्यूज से और मैं ग्राम अलोहा में इसमें पदस्थ हूं। और आइए देखते हैं कुछ समाज सेवी के जिन्होंने आज मास्क वितरण किया है और उनके उनसे सारी जानकारियाँ देश में जैसे कि कोरोना की महामारी चल रही है। आइए हम बात करते हैं भैया जी के नाम से जो विश्वजीत सिंह हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। उन्होंने क्या कोरोना के बारे में और क्या क्या वो वितरण कर रहे हैं अपने समाज के लिए अपने गाँव ग्राम में, देखिए इससे विश्वजीत सिंह से बात करते हैं। जी, यह कार्य मैंने कल दिनांक अपने जन्मदिन 13 अप्रैल से शुरू किया है। मैंने ये खुद से एक प्रण किया है कि जब तक लॉकडाउन की स्थिति देश में आपदा की स्थिति है, अपने गांव व आसपास के तमाम क्षेत्र में हर तरह की जिस तरह की लोगों को आवश्यकताएँ हैं, घर में रह के उन्हें वो सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है, जनप्रतिनिधि कोई भी इंटरेस्टेड है नहीं, तो मैंने खुद ये संकल्प किया है, खुद से ये प्रण किया है कि घर घर जाके गांव गांव एक एक व्यक्ति से मिलके मास्क व सुरक्षित व्यवस्था, हैंड वॉश व उनके जरूरी संबंधी जो भी वस्तुएं होंगी वो मैं उन्हें उपलब्ध करवाऊंगा। सब की जिसके पास खाद्यान्न व्यवस्था नहीं है उसके पास ऊपर से अपील करके उन्हें उस माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उन्हें उपलब्ध करवाऊंगा। ये मैंने संकल्प लिया है, जब तक यह कार्य पूरे आसपास के क्षेत्रों में नहीं हो जाएगा घर घर जाके मैं करूंगा। सैनिटाइज की व्यवस्था भी है, वो भी पूरे गांव क्षेत्र में करूंगा। आप अपने मुहिम के किस तरह से और क्या क्या लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं? लोगों को कोरोना महामारी जो फैली हुई है इससे बचाव संबंधी जो भी वस्तुएँ हैं और जो भी असहाय व्यक्ति है, निशक्तजन व्यक्ति है जिनके पास खाने की वस्तुएं नहीं है, खाद्यान्न संबंधी कुछ भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, उनकी व्यवस्था करवा रहा हूं तथा मास्क, हैंड वॉश और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था अपने द्वारा। जैसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आदेशानुसार लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, तो उस संबंध में आप लोगों तक क्या सूचना दे रहे हैं और कैसे? अब लोग क्या है कि प्रतिदिन कमाते हैं और प्रतिदिन अपना पेट पालते हैं। मैं उनकी समस्याएं अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि वो किस तरह से अपनी जीविका चला रहे हैं। कुछ घर ऐसे हैं जिनको दोनों टाइम का भोजन नसीब नहीं, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं इस धूप में निकल के, घर से निकल के एक एक व्यक्ति के पास जाके जो भी उनकी आवश्यकताएं होंगी जब तक लॉकडाउन की स्थिति है, तो मैं अपने माध्यम से पूर्ति करूंगा। आप ये अपने अकेले और आपकी कोई टीम? मेरी गांव के हमारे 4-6 लोग हमारे सहयोगी ये आसपास आपको दिख रहे हैं। आपके टीम में कौन कौन है? हमारे साथ शारदा मिश्रा, राजकुमार साहू जी, मोहम्मद खलील, शिवम और मुन्नू पंडित जी हैं, राजधर द्विवेदी जी हैं और भी एक दो साथी हमारे हैं। गांव के लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है? गांव के लोगों का पूरा सहयोग है और सब कोई साथ में चल के एक एक घर जाके एक एक लोगों से मिलके हम लोग पूरी व्यवस्था करवा रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद।